हमारी पूरी सृष्टि डिपेंड करती है बस एक चीज पे, और वो है नारी। बिना नारी के ये सृष्टि हो ही नहीं सकती। आज है 8th of March यानी कि वुमेन्स डे, और आज का ये स्पेशल एपिसोड डेडिकेटेड है उन सारे वुमेन्स को जिनके वजह से ये जिंदगी, ये सृष्टि सृष्टि की तरह रह पा रही है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पीयूष और आप सुन रहे हैं ऑडिबल्स ऑफ लाइफ, जहां पे मैं जिंदगी के बारे में बात करता हूं, उसके अलग अलग एक्सपीरियंसेस को आपके साथ शेयर करने की कोशिश करता हूं, ताकि आप भी उन एक्सपीरियंसेस और लर्निंग्स को लेकर एक बेहतर इंसान बन सके और अपनी जिंदगी को भी बेहतर बना सके। तो चलिए आज का एपिसोड शुरू करते हैं। सुबह खुलते ही आपको मम्मी की याद आती है, रात को सोते वक्त भी आप मम्मी के पास जाते हैं और अगले दिन का प्लानिंग करते हैं। एक पति अपने पत्नी से ये पूछता है कि मैं ऑफिस में क्या पहन के जाऊं, कभी घर पे मेहमान भी आ जाए ना, तो लगता है कि अरे कुछ तो बताओ, करना क्या है, कैसे मैनेज करें, घर पे कोई फंक्शन हो जाए तो सारे रिचुअल्स बस एक ही इंसान को पता होते हैं। बच्चों का होमवर्क हो वो भी एक ही इंसान करवाता है, कभी माँ बन के तो कभी बहन बन के, कभी फ्रेंड बन के तो कभी गर्लफ्रेंड बन के, कभी वाइफ बन के तो कभी बच्ची बन के। ये हमारे जिंदगी के हर एक रिश्ते को बहुत बखूबी से निभाते हैं और उसको एक नई दिशा देते हैं। इनके कई रूप होते हैं और कई कामों में ये बहुत ज़्यादा माहिर होते हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड सोचते भी हैं और बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस को बहुत सिंपल तरीके से सॉल्व भी कर देते हैं। तो इतनी कैपेबिलिटीज होती ही हैं हर एक औरत में, और तभी एक मर्द चाहे फिजिकली कितना ही बलवान क्यों ना हो जाए, वो कमजोरी होता है, बिकॉज मेंटली स्ट्रांग जो बात होती है वो सिर्फ और सिर्फ एक औरत में होती है। तो इस वजह से औरत जो है वो हमेशा हमारी सोसाइटी में, हमारी जिंदगी में, हमारे पूरे यूनिवर्स में सबसे पावरफुल, सबसे ब्यूटीफुल, सबसे ज़्यादा स्किल्ड और सारे काम को, सारे रिश्तों को, सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को परफेक्टली निभाने वाली एक ह्यूमन बीइंग है। तो इसीलिए वो स्पेशल तो है, और उनके बिना आप जिंदगी बिल्कुल नहीं सोच सकते। लेकिन आज हम सिर्फ इस पॉइंट पे बात नहीं करेंगे कि वो किस किस मामलों में कैपेबल हैं या फिर कैपेबिलिटीज रखती हैं। वो बेशक सबसे ज़्यादा स्ट्रांग हैं, रहेंगे और हमेशा से थे। एक चीज़ जो हमें समझनी पड़ेगी कि हमारी ज़िंदगी में उनकी कंट्रीब्यूशन बहुत ही ज़्यादा है, जिसको हम कभी नाप नहीं सकते। पर पता है क्या, एक प्रॉब्लम है और वो प्रॉब्लम हम सब ने क्रिएट किया हुआ है, और वो प्रॉब्लम है हमारे सोच के साथ, हमारे एक्शन के साथ। हमने हमेशा औरतों को एक कमजोर जेंडर बना के रख दिया है, हमने हमेशा उनको एक डिस्प्ले मटेरियल बना के रख दिया है, और कहीं ना कहीं ये सारी सोच जो एक टाइम से शुरू हुआ था और जो कि अभी भी कहीं ना कहीं हो रही है, उसके वजह से चीज़ें बहुत बिगड़ती जा रही हैं, और उसका एक बैकफायर इम्पैक्ट भी है जो कि मैं आगे बात करने वाला हूँ। हाल ही में मैं एक न्यूज़ देख रहा था जहाँ पे मैंने देखा कि एक बाहर फॉरेनर लड़की जो बाइक में पूरे विश्व को घूम रही थी अपने पति के साथ, उसको रेप किया गया इंडिया में एक जगह पर। That was really, really very shameful to see. और ये सिर्फ एक घटना नहीं है, बहुत सारे ऐसे अनगिनत घटनाएं हैं जहां पे लड़कियों के साथ, औरतों के साथ बदसलूकी होती है, बहुत बुरा होता है, उनका बलात्कार किया जाता है, उनके साथ सब गलत चीजें होती हैं। Unfortunately, ये वही देश है जहां पे हम मातृ पूजा करते हैं,
माँ को भगवान की तरह मानते हैं और उसी जगह पे देवी पूजा भी करते हैं और उसी औरत को हम एज एन ऑब्जेक्ट देखते हैं, एज ए कमजोर जेंडर देखते हैं, उनको एक लिमिट में बांधने की कोशिश करते हैं। अब उसका एक साइड इफेक्ट सोसाइटी में ऑलरेडी काफी टाइम से पड़ता हुआ आ रहा है। अब नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि कुछ औरतों ने उसकी बागडोर को बहुत अच्छे से संभाला। उन्होंने बहुत ऐसे ऐसे काम किए, कारनामे किए, जिसको सोचा भी नहीं जा सकता। मिसाल के तौर पे कल्पना चावला है, मैरी कॉम है, और जाने ऐसे कितने सारे रिकॉर्ड होल्डर्स हैं। हमारे चंद्रयान को, हमारे मंगलयान को भी जो साइंटिस्ट मिलके काम किया उसमें से ज़्यादातर लेडीज हैं। तो इससे ये पता चलता है कि एज अ सोसाइटी हम जो लड़कियों को या फिर औरतों को बांध देते हैं ना एक अपनी लिमिटेड सोच में, वो गलत है। उनको एम्पावर सही मायने में अगर हम करें तो उनसे मिरेकल हो सकती है, लिटरली मिरेकल। देखिए, कहीं ना कहीं ये तो मानना पड़ेगा कि सोसाइटी में जो लेडीज़ का कंट्रीब्यूशन है वो इस कदर ज़्यादा है कि आप तब रियलाइज़ करेंगे जब वो नहीं रहेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, घर पे जब मम्मी नहीं रहती हैं तो ऐसा लगता है कि अरे ये चीज़ कहाँ है, वो चीज़ कहाँ है, कहाँ पे रख दिया, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, कैसे मैनेज करूँ, क्या मैनेज करूँ, खाना कितना है, राशन कितना है, कुछ भी पता नहीं। मैक्सिमम केसेस में ये सारी चीज़ें लेडी संभालती हैं। कुछ एक्सेप्शनल मेल्स होंगे, हैट्स ऑफ टू देम, दे प्ले अ रोल ऑफ बोथ मैन एंड वोमेन, बट इन जनरल इट्स ऑलवेज द वोमेन हु टेक केयर ऑफ ईच एंड एवरीथिंग। बहुत माइन्यूटली ध्यान रखती हैं, किसको कितना खाना है, किसको कितना प्रॉब्लम है, किसके मेडिसिन हैं, क्या नहीं है, लेकिन उनके बारे में कोई नहीं सोचता, उनको कोई प्रायोरिटी नहीं देता, एंड दैट्स अ चैलेंज। और उसी समाज में हम जी रहे हैं। हमें अपनी पत्नियों से बहुत अपेक्षाएं होती हैं लेकिन हम उनके लिए कुछ नहीं करेंगे, एंड इसका माइनस पॉइंट हो रहा है। एक टाइम के बाद अब उसका माइनस पॉइंट हो रहा है, और वो माइनस पॉइंट ये है कि कुछ लड़कियां बगावत पे उतर आई हैं, कुछ बहुत जेन्युइन तरीके से और कुछ बड़े अजीब तरीके से। जो सही तरीके से आगे बढ़ रहे हैं उनकी लिस्ट तो हर किसी के पास है, लेकिन जो गलत तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, चलिए उसके बारे में बात करते हैं। ये गलत तरीका क्या है? ये गलत तरीका वो है कि जहां पे एक औरत इतनी फ्रस्ट्रेटेड हो चुकी है कि उन्होंने अपने आप को लड़कों से कंपेयर करने के लिए लड़कों के गलत चीजों को एक्वायर करना शुरू कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, लड़के सिगरेट पीते हैं, मैं भी पी सकता हूं, लड़के ये करते हैं मैं भी करूंगा, लड़के गलत काम करते हैं मैं भी करूंगा, लड़कों को आज़ादी है मुझे क्यों नहीं। और कहीं ना कहीं हम उन लड़कियों को दोषी ठहरा देते हैं। हाँ, कुछ मामले में वो जो ये अप्रोच लेके आगे बढ़ रहे हैं उससे उनका कुछ भला नहीं होने वाला, क्योंकि सिगरेट किसी जेंडर को स्पेसिफिकली नुकसान नहीं पहुंचाती है और किसी जेंडर के लिए स्पेसिफिकली अच्छा नहीं होता है। जो बैड हैबिट्स है वो लड़कों के लिए भी उतना ही बुरा है जितना लड़कियों के लिए। एंड टू हैव अ वोमन एम्पावरमेंट थॉट प्रोसेस, आप अगर लड़कों की गलतियों को, लड़कों की बुरी चीज़ों को फोकस करके वो अपने अंदर ढालने लगेंगे तो वो गलत है। पर अनफॉर्चुनेटली कुछ लेडीज इस थॉट प्रोसेस में आगे बढ़ चुके हैं। कुछ लेडीज फॉल्स रेप केसेस डाल रहे हैं, कुछ लेडीज फॉल्स एलुमिनाई चार्ज कर देते हैं, डिवोर्स कर लेते हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो जिंदगी ना बदल रही है बहुत तेजी से, अच्छे के लिए कितना आई हैव अ डाउट, पर ये जो कंपटीशन लड़कों और लड़कियों के बीच में लग चुका है जेंडर को लेकर वो बहुत गलत है। एक फेमिनिज्म
का मतलब होता है कि इक्वल राइट्स फॉर बोथ मैन एंड वुमेन। पर आजकल सूडो फेमिनिज्म आगे बढ़ रहा है, जहाँ पे कन्वीनियंस को ज़्यादा फोकस मिल रहा है। लाइक मैं लड़की हूँ तो मुझे सीट चाहिए, आप लड़के हो आपको सीट नहीं चाहिए। आप बेशक बुजुर्ग क्यों ना हो, क्योंकि आप मेल हो तो आपको सीट नहीं मिलेगा, और मैं लड़की हूँ तो मुझे मिलेगा। तो ये जो अप्रोचेस समाज में चल रही है ना, कुछ लोगों के द्वारा, ऑफकोर्स नॉट एवरीवन, ये कुछ परसेंटेज धीरे धीरे बढ़ रही हैं, और इसको हमें रोकना पड़ेगा। आज वुमेंस डे है, वुमेंस की बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, उसके बारे में बात ज़रूर करना चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ मैं ये सारी बातें इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब एक फीमेल ख़राब चीज़ों पे उतर आती है ना, तो वो पूरे समाज को धराशायी कर देती है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये जो बच्चे बड़े होते हैं ना, और उनको जो परवरिश मिलती है, जो संस्कार मिलते हैं, उस पर भी एक लेडीज़ का हाथ होता है। तो अगर आपके बच्चे ने कुछ गलती करी है, उसको छिपाइए मत, उस पर एक्शन लीजिए, उसको सिखाइए। क्योंकि आप जिस तरीके से एक सोसाइटी बनाएंगे, वो एक एक इंसान को बेटर करने वाली माँ आप खुद हैं। सोसाइटी आप ही से बनती है। सो इम्पॉर्टेंट क्या है? इम्पॉर्टेंट ये है कि जब आप एज ए बहू किसी के घर पे जाते हो, और वहाँ पे आपकी सास आपके साथ बहुत अच्छा से बर्ताव नहीं करती, और आप एक्सपेक्ट करते हो कि वो आपसे अच्छा बर्ताव करे, तो वो भी एक फीमेल है, आप भी एक फीमेल हो। अगर आप उस ग्रज को अपने पास रख के उनके साथ भी बुरा करते हो, तो वो भी एक फीमेल है और आप भी एक फीमेल हो। अगर कोई आपके साथ बुरा कर रहा है तो आप भी उसके साथ बुरा करोगे। ये एक फीमेल की क्वालिटी कभी ना थी ना है, लेकिन फीमेल को स्ट्रांग जरूर बनना है, गलत के खिलाफ आवाज जरूर उठानी है, सही तरीके से आगे जरूर बढ़ना है, और दुनिया को जीतना है। ऐसा कोई काम नहीं जो आप नहीं कर सकते, ऐसी कोई इंडस्ट्री नहीं है, ऐसा कोई स्किल सेट नहीं है जो आप नहीं कर सकते, पर आप उसी पे फोकस कीजिए। कुछ लड़के, समाज के कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो खराब होते हैं, और उसमें हर कोई शामिल होता है, कोई भी जेंडर हो शामिल होता है। अगर आपको आगे बढ़ना है तो उन सबसे परे होना पड़ेगा। अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको फोकस करना पड़ेगा बड़ी बड़ी चीजों पे। आपको फोकस करना पड़ेगा एक समाज को गढ़ने में, और समाज आप ही से बनेगा, क्योंकि जो आने वाली पीढ़ी होगी वो आप ही के जरिए आएगी, उसको आप ही सिखाओगे, उसको संस्कार आप ही दोगे, उसको सही गलत की पहचान आप ही करवाओगे, और उसी के साथ ही चीजें धीरे धीरे सही होंगी। अगर आपने समाज में कुछ गलत देखा है तो उसके लिए जरूर आवाज उठाइए, लेकिन उसके साथ साथ ये जरूर कोशिश कीजिएगा कि जो लोग आपकी बात सुनते हैं, समझते हैं, आपको रिस्पेक्ट करते हैं, उनको वो सारी सीख दें, ताकि रिमोटली भी वो गलतियां उनसे ना हो। और ये सबका कर्तव्य है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक फीमेल का कर्तव्य है। लाइक एवरीवन हैज टू वर्क टुवर्ड्स इट, इट्स अ सोसाइटी दैट वी बिल्ड। We have a lot of things to complain about, but we need to focus majorly on solutions. जब तक हम वो नहीं करेंगे, तब तक चीजें बिगड़ती रहेंगी। एक सही समाज बना के proper empowerment हमें तभी मिलेगा। तो आप अगर मेरे इस एपिसोड को सुन रहे हैं, चाहे आप लड़के हैं या लड़की, इतना ध्यान रखिए
कि ये समाज ना हमसे बनता है, तो हमें इसको बेटर बनाने के लिए ग्रजेस लेकर नहीं सल्यूशन लेकर आगे बढ़ना पड़ेगा। उस तरह की सोच रखनी पड़ेगी और सबको मिलके इस समाज को एक बेहतर जगह बनानी पड़ेगी, ताकि आने वाली पीढ़ी इस समाज में इस तरह से जिए कि कोई भेदभाव ना हो, कोई जेंडर इनइक्वालिटीज ना हो। और आखिर में एक बात तो जरूर कहूंगा, वुमेन को ना एम्पावर होने की जरूरत नहीं है, दे आर ऑलरेडी द मोस्ट पावरफुल बींग। हैप्पी वुमेन्स डे। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू द एपिसोड। अगर आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे किसी एक इंसान के साथ जरूर शेयर कीजिए, और ऑडिबल्स ऑफ लाइफ को फॉलो करके अपने पसंदीदा प्लेटफॉर्म में इस पॉडकास्ट को रेट करना ना भूलिए। मिलते हैं आपसे एक नए एपिसोड में जल्द ही, तब तक अपना ध्यान रखिए। This is Pijush, signing off for now.